हेलो एवरीवन, बिफोर आई स्टार्ट माय लाइव सेशन शेड्यूल फॉर अमोल लाइव मैंगो सीरीज, आई वुड लाइक टू चेक माय साउंड क्वालिटी. सो प्लीज़ टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट. क्या मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही है? कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप माई वॉइस इज लाउड एंड क्लियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम कैकशा नसरीन वारसी, वर्किंग एज अ फैकल्टी इन डायटेटिक्स एंड हॉस्पिटल फूड सर्विसेज इन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़. दो अलीगढ़ इज़ अ स्मॉल सिटी ऑन अ ग्लोब ऑफ अ वर्ल्ड, लेकिन इस सिटी की एक अपनी अलग ही पहचान है. इसको ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट मैन्युफैक्चर्स वर्ल्ड क्लास कॉम्बिनेशन ऑफ लॉक एंड कीज. इट इज़ ऑल्सो एन एजुकेशन हब जहाँ पे लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में से एक सर सैयद अहमद ख़ान की ख्वाबों की ताबीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित है. और इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वॉइस पॉलीटेक्निक के वर्कशॉप कैंपस में हमारा इंस्टीट्यूट 1984 से संचालित है. सून इट विल बी अपग्रेडेड एज अ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी to come live and share my recipe made up of ripe mangoes. I would like to express my deepest gratitude to our respected principal Mr. Nilendra Prasad Srivastav and section in charge Mr. Ashish Spencer, who has motivated me and guided me throughout so that I can come live and share my recipe with you all. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गर्मियाँ आते ही आमों का सीज़न आ जाता है. And market is flooded with varieties of mangoes. जैसे ही आप आम की मंडी में जाएं, आपको आम की खुशबू से पूरा माहौल महक उठता है. इवन घर में भी अगर आप एक आम की पेटी लेकर आ जाएं, तो आपके घर में भी भीनी भीनी आम की मीठी खुशबू चारों ओर फैल जाती है. और मुझे नहीं लगता कि आम के सीज़न में कोई ऐसा घर बचा होगा या बचता है जो आम की डिलाइटफुल डेजर्ट्स बना के ना बनाता हो, जैसे कि मैंगो पुडिंग, मैंगो फालूदा, मैंगो पन्ना कोटा, मैंगो फिनी एंड मैनी मोर. तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ने मुझे मौका दिया है और इसको मैं अपने रेसिपी को आप सब तक पहुंचा सकती हूं. एंड अमूल हैज़ गिवन मी अ स्प्लेंडेड प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन शेयर माय रेसिपी विद यू ऑल, जिसका नाम है मैंगो रबड़ी कप्स. अमूल जो कि एक हाउस होल्ड नेम है, अमूल इज़ अ हाउस होल्ड नेम जिसमें घर घर में सुबह की चाय से लेकर पिज़्ज़ा की चीज़ी बर्स पिज़्ज़ा और बर्गर के में से झाँकता हुआ माउथ मेल्टिंग चीज़ स्लाइस, या फिर आपका दाल में तड़का लगाने के लिए घी चाहिए हो, सारे ही घर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है. बिकॉज अमूल हैज़ स्पर्ड इंडियाज़ वाइट रेवोल्यूशन एंड मेड कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. अमूल जैसे कि एक संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है, इट विच मीन्स प्राइसलेस और प्रेशस. सिमिलरली उसके सारे प्रोडक्ट ही बहुत ही प्रेशस और प्राइसलेस है. सब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो सैंडविच बनाने के लिए चीज़ हो या दही हो, घी हो, अमूल फ्रेश क्रीम हो या कंडेंस्ड मिल्क हो, ऑल प्रोडक्ट्स आर जस्ट टू गुड. और गर्मियों के सीज़न में जैसे कि चारों ओर आम महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जगह जगह आम के फेस्टिवल्स लगाए जाते हैं, तो हमारा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी मैंगो मेनिया सेलिब्रेट कर रहा है ऑन अ स्प्लेंडेड प्लेटफॉर्म विच इज़ गिवन बाय अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आप सबके सामने आई हूँ, उसका नाम है मैंगो रबड़ी कप्स. और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आइए उसको देख लेते हैं. आपको जैसे दिख रहा है कि मैंने एक बास्केट में आम ले रखे हैं, जिसे मैंने अल्फेंसो आम इस्तेमाल किए हैं. आप कोई भी अच्छा मीठा रसीला आम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सफ़ेदा या कोई भी जो आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं.
उसके साथ साथ हमने दूध लिया है जो कि हमने ऑब्वियसली गुड क्वालिटी का अमूल गोल्ड दूध इस्तेमाल किया है जो मैं रबड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। उसके अलावा और कौन सी चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है, लेट्स हैव अ लुक। खोया लेना है, खोया जब मैंने लिया है 1/4 कप, शुगर ली है मैंने 1/2 कप, मैंगो को मैंने अच्छी तरीके से उसको वॉश करने के बाद उसकी प्यूरे बना ली है, माइंडेड प्यूरे ली है मैंने, पल्प नहीं लिया है बिकॉज देर इज़ अ सब्सटैंशियल डिफरेंस इन टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी बिटवीन द पल्प एंड प्यूरे। प्योरी जो है एक सिल्की और स्मूथ टेक्सचर की होती है, वेयर एज पल्प जो है थोड़ा सा थिक टेक्सचर का होता है और उस पर फलों के छोटे छोटे से चंक्स कैन बी ईजली विजिबल टू अस। ठीक है, तो मैंने मैंगो प्योरी का इस्तेमाल किया है और मैंने कुछ मैंगो चंक्स काटे हैं बाइट साइज़ के ताकि वो मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। मैंने एलमेंट्स लिए हैं, पिस्ताशियोज़ लिए हैं जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है। उसके अलावा डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वो इस्तेमाल किया है। इलायची इस्तेमाल की है जिसका मैंने इलायची को क्रश करके पाउडर बना के रबड़ी में इस्तेमाल करूँगी। उसके साथ इस रेसिपी में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट लाने के लिए मैंने बालूशाही का भी इस्तेमाल किया है जो कि जब आप मेरी रेसिपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बालूशाही का कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। उसके साथ साथ मैंने फ्रेश अमूल ब्रेकफास्ट क्रीम ली है जिसको मैं गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आम फलों का राजा है, इट इज़ टर्म्ड एज अ किंग ऑफ फ्रूट्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सुपर फूड। Why? Because it is very good in taste and it has an abundance of nutritional contents. Vitamins, there are more than 20 different vitamins and minerals are found in mangoes. It is loaded with lots of antioxidants, chahe wo vitamin A ho, vitamin C ho, vitamin B6 ho, it is loaded with lots of vitamins. और हम सब जानते हैं कि विटामिन ए का हमारे बॉडी की हेल्थ मेंटेनेंस में कितना बड़ा रोल होता है। विटामिन ए के रिचेस्ट सोर्सेज में से आता है आपका येलो और ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और आम इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए व्हिच इज़ गुड फॉर योर स्किन, व्हिच मेंटेन्स द स्किन इंटीग्रिटी, इट इज़ गुड फॉर योर हेयर, इट रिपेयर्स एंड प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम अल्ट्रा डैमेजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज एंड ऑन द सेम साइड इट ऑल्सो कीप योर स्कैल्प नरिश्ड। It is loaded with vitamin C. Vitamin C is a very good vitamin. It boosts our immune system. Vitamin C helps in the collagen production, which will restores the elasticity and protects your skin from getting drying out. So, जैसे हमने देखा कि इसमें vitamins, minerals जैसे magnesium, potassium, it is present in large amount. Similarly, इसमें it has an ample amount of fiber is also there. Fiber is very important for our health. It is important for the proper functioning of our digestive system. So, fiber bhi isme achhi matra mein present hota hai. It has various it prevents the colon cancer prevention. It is beneficial in preventing the various cancer. It has various anti-cancer properties. Okay, so let's get started. तो सबसे पहले हमें जो इस पूरी रेसिपी में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट क्या है वो है रबड़ी बनाना। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक ओपन पैन में दूध ले लिया है और दूध लेने के बाद मैं उसको तेज़ आंच पे पहले उसको तेज़ फ्लेम पे उसको मुझे बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद फिर उसको जब एक उसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए फिर हम उसकी फ्लेम को रिड्यूस करके उसको फिर धीरे धीरे आंच पे पकने देना है। क्योंकि रबड़ी विच इज़ मेड फ्रॉम अ स्वीट कंडेंस्ड मिल्क बेस्ड रेसिपी, सो इसे बनाने में जो है थोड़ा टाइम लगता है। टाइम ज़्यादा लगता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये रेसिपी बना नहीं सकते, क्योंकि कुछ अगर अच्छा खाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको रबड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा संवेदनशील होना पड़ेगा और इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टाइम, इट टेक्स नियर अबाउट 1 आवर टू गेट इट कम्प्लीटली प्रोसेस्ड। तो जब हमारी रबड़ी जो है एज़ वी ऑल नो इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो और इट हैज़ ट्रेवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ आर इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो। इसको जैसे बंगाल में बहुत अच्छी रबड़ी मिलती है क्योंकि रबड़ी जो जैसे कि बंगाल की बोली बहुत मीठी बोली होती है उसी तरीके से वहाँ की बंगाल की रबड़ी भी बहुत मशहूर है। तो मैंने यहाँ पे एक ओपन वेसल में मैंने दूध चढ़ाया हुआ है
ताकि दूध जो है जब अच्छी तरीके से उसमें बॉईल आ जाए तो आप उसकी फ्लेम को कम करके उसको धीरे आँच पे रख देंगे, बिकॉज दूध को हमें काढ़ना है। काढ़ने का मतलब यह है कि हमें उतना पकाना है कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए, और जैसे जैसे दूध पकेगा उसमें जो है उसके साइड से दूध की मलाई या क्रीम जो है उस पर पैन के चारों तरफ चिपकनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला वी हैव टू स्क्रेप द मलाई एंड मिक्स इट वेल विद द मिल्क, ताकि वो अच्छी तरीके से दूध करके उसे गाढ़ी हो जाए, जैसे कि हमारे दूध में एक अच्छा बॉयल आ जाए। फ्लेम को रिड्यूस करके आप उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप आराम से जाके बैठ जाइए, इन बिटवीन यू हैव टू स्टर इट ओकेजनली। जब बलाई थिक होने लगती है और उसके साइड्स पे चिपकने लगती है तो आपकी जो है इसको स्क्रेप करके इसमें दूध में मिक्स करना होता है। अब दूध चढ़ाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी, एज़ यू कैन सी मैंने पहले से ही एक पोर्शन बना के रखा हुआ है, रबड़ी हमें इस कंसिस्टेंसी की मिलेगी जिसे मैंने पकाते वक्त जो है इसमें अच्छी तरीके से देखिए आपकी रबड़ी की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। और जैसे कि आपने देखा था कि इसमें हमने क्या क्या मिलाना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि दूध का वॉल्यूम जब 1/3 हो जाए तो उसी वक्त उसमें हमें जो है 1/2 कप ऑफ शुगर का इस्तेमाल करना है और 1/4 कप आप इसमें खोया डालेंगे। खोए का सब्स्टिट्यूट भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी गुड टेक्सचर और रबड़ी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो जैसे ही रबड़ी बनके तैयार हो उसी वक्त मैंने इसमें कार्डमम को अच्छी तरीके से कूट कर इसमें कार्डमम पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी, इस कंसिस्टेंसी में होगी, तो हमें जो है उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब हमारी रबड़ी पूरी तरीके से ठंडी, अगर आपकी रबड़ी थोड़ी सी अगर गाढ़ी हो जाए, आपको लगे कि रबड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड मिल्क, कच्चा दूध नहीं डालना है, बॉइल्ड मिल्क डाल के उसको थोड़ा सा आप स्पून या फोक की मदद से उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए थी बिल्कुल जैसे हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। वैसे तो रबड़ी आप बाज़ार में जो अवेलेबल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि वो रबड़ी में थोड़ी मिठास ज़्यादा होती है, तो आप अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से जब घर में अगर रबड़ी बनाएंगे तो उसकी मिठास को आप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, वेट वॉचर है, तो उसको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि ये रेसिपी जो डेजर्ट्स होते हैं एटलीस्ट आप ट्राई तो करें, और उसको हफ्ते भर में एक चीट डे तो होता है, उस दिन आप बना के इसको ज़रूर से ट्राई करें और आप इसको अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने दिखाया जैसे कि बॉयल आ रहा है इसमें दूध में, अब मैं इसी स्टेज पे फ्लेम कम करके इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है, और जब इसका 1/3 वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए तो हम इसमें शक्कर और खोया डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जिसके लिए मैंने जो आपका ये बना के रखा हुआ है मैंगो प्योरी बना के रखी हुई है, उसको हमें मैंने 1/2 किलो मैंगो लिए थे जिसको मैंने ब्लेंड करने के बाद इसको हमारे पास ये 2.5 कप के आसपास है, जिसको मैं एक पैन में लेकर अच्छी तरीके से पैन में लेकर हमें इसको पकाना है, और उसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भर के उसमें लेवल करके इसमें शक्कर डालनी है। हमें इसको इतनी देर तक पकाना है कि जो इसमें शक्कर जो अभी हम इसमें डालेंगे, बस उसमें शक्कर के दाने अच्छी तरीके से आपके इसमें घुल सकें। तो शक्कर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि रबड़ी अपने आप में एक मिठास लेके आती है, आम में अपनी एक नेचुरल शुगर होती है, तो मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून शक्कर इसमें डाल के इसको मिक्स करना है, और ये मुझे सिर्फ उतनी देर तक पकाना है जितना कि ये इसमें शुगर के जो दाने हैं वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएं और अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाएं, ताकि आप के मुंह में जब आप ये खाएं तो शुगर के क्रिस्टल्स आपके मुंह में नहीं आने चाहिए। तो बस हमें ये इसे इतनी देर तक पकाना है कि इसमें ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और ये हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। और आमों का सीज़न है, हम सब जानते हैं कि हम सबको आम कितने पसंद है, इट इज़ लव्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल नॉट ओनली इंडिया बट इंटरनेशनली एज वेल।
तो देर इज़ नथिंग एज रेलिशिंग एज बाइटिंग इन टू दिस डिलीशियसली राइप फ्रूट इवन इट्स ड्रिंक इवन द शुगर सिरप ऑफ दिस स्क्रम्पशियस फ्रूट ट्रिकल्स डाउन टू योर एल्बोज. आप तब भी यू सिंपली कैन नॉट अवॉइड ईटिंग मैंगोज. आपके हाथ आपका मुंह कितना भी आम खाते वक्त चिपचिपा हो जाए आप इसको इग्नोर या अवॉइड कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज़ लोडेड विद लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इट हैज़ विटामिंस मिनरल्स एंटी ऑक्सीडेंट्स विच इज़ गुड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ. उसके साथ साथ इस रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है वो हमने मिल्क इस्तेमाल किया है. एज़ यू नो दैट मिल्क इज़ अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट. इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर बैलेंस्ड डाइट. इट हैज़ कैल्शियम, इट हैज़ वाइटामिन डी एंड इट हैज़ प्रोटीन. तो आपको जो है इसको अच्छी तरीके से आपने आई थिंक माई मैंगो प्यूरी प्रॉपरली मिक्स विद द कैल्शियम. सो लेट इस कीप इट असाइड एंड लेट इट कूल फॉर सम टाइम. उसके बाद हमें देखना है कि जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार करी है उसमें जो है हम इसमें रबड़ी को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़े से बोल में. रबड़ी को बड़े से बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद जो है इसमें हमने जो अभी ये हमारा जो मैंगो प्योरे हमने तैयार किया है उसको हमें मिक्स करना है. हमें इसमें से सारा मैंगो प्योरे का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमें थोड़ा सा बचा के रखना है जब हम अपने सर्विंग बोल्स को या सर्विंग ग्लासेस को जब हम उसको उसकी प्लेटिंग करेंगे. तो हमें अच्छी तरीके से पहले ये हमारी जो रबड़ी थी इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है ताकि इसी में जो हमारी ये जो प्योरे बनी है वो जब अच्छी तरीके से थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद हमें इसमें मिक्स करना है. अबाउट 3/4 ऑफ दिस प्योरे हैज़ टू बी एडेड इन द रबड़ी मिक्सचर तभी वो हमारी रबड़ी मैंगो रबड़ी बनकर तैयार होगी. अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंगो रबड़ी जो है सब लोग कितना पसंद करते हैं. आजकल के बच्चे जो हैं स्पेशली वो रबड़ी का उनको मीठे में खाने में वैरायटी चाहिए होती है ना. तो वैरायटी जब चाहिए होती है तो वो चाहते हैं कि हर वक्त उनको कुछ अलग खाने को मिले. तो चॉकलेट आइसक्रीम से हटकर उनको अगर घर में आप ये मीठा बना के देंगे तो उनको ये बहुत पसंद आने वाला है. तो मैंने ये 3/4 कप जो है इसको इस्तेमाल किया है ताकि उसमें एक अच्छा सा मैंगो फ्लेवर आ जाए रबड़ी के अंदर. और देखिए ये कितना खूबसूरत सा हमारे पास मैंगो रबड़ी बनके तैयार हुई है. इसी वक्त वी विल ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैंगो एसेंस लिटिल बिट. और उसके बाद जो मैंने ये थोड़े से एलमंड्स और पिस्ताशियोज जो स्लाइस करके रखे हैं इट कैन बी एडेड. अंदर भी हम डालेंगे बाकी हम इसमें गार्निशिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करने वाले हैं. As we all know that these dry fruits are loaded with lots of minerals. It has fiber which is very important to keep a check on blood sugar level, blood pressure and cholesterol as well. ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को जो है बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. तो हमारी ये मैंगो रबड़ी बन के तैयारी है. चलिए हम जब दूसरी तरफ चलते हैं असेंबलिंग की तरफ चलते हैं. असेंबलिंग करने के लिए आप कोई भी डेजर्ट ग्लासेस डेजर्ट बोल कुछ भी ले सकते हैं. मैंने ये इन डेजर्ट ग्लासेस का इस्तेमाल किया है. तो सबसे पहले जो है मैं इन डेजर्ट ग्लासेस को जो है इसे शुगर सिरप मैंने लिया था जिसको मैं इसके ऊपर इन्वर्ट कर दूँगी. आई हैव टू डिप द सर्विंग ग्लास इन टू दिस शुगर सिरप ताकि उसकी रिम जो है वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोट हो जाए शुगर सिरप से. उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा हमारा वो हम करेंगे कि हमारे पास जो डेसिकेटेड कोकोनट रखा हुआ है उसमें आप उसको इसमें हल्के से डिप करके उसको एक प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी हो जाए तो उसका हमने इस्तेमाल किया है. चारों तरफ से देखिए कितना खूबसूरत सा एक उसका आउटर रिम बन के तैयार हो गया है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसकी अब लेयरिंग करनी है. जो हमने ये मैंगो प्योरे बचा के रखा था वो हमें इसमें पोर करना है.
इसकी एक अच्छी खूबसूरत सी लेयर, इसको हल्का सा हमें टैप भी करना है ताकि इसकी हमें एक यूनिफॉर्म सी लेयर बन जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस रेसिपी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट के नाम पे मैंने यहाँ पे बालूशाही का इस्तेमाल किया है। बालूशाही अपने आप में एक अच्छा टेक्सचर देगी और एक अच्छा सा इसमें क्रंच आएगा, तो बालूशाही को हाथों से क्रश करके मेक श्योर कि आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो। जैसे कि हम सब जानते हैं जब किचन में काम करते हैं तो हाइजीन और सैनिटेशन का बहुत प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने ये थोड़ी सी बालूशाही को अच्छी तरीके से क्रश करके इसमें डाल दिया है। उसकी नेक्स्ट स्टेप है, जो हमने ये रबड़ी बनाकर तैयार करी है, उस रबड़ी को जो है हम इसके ऊपर, ये एक तरीके से इसमें जो हमने ये डाला है उसके ऊपर हम एक लेयर लगाएंगे आप मैंगो रबड़ी की, ठीक है, मैंगो रबड़ी। और ये बीच में हमने जो बालूशाही का इस्तेमाल किया वो एक तरीके से इट हेल्प्स इन गेट प्रिवेंटिंग दीज टू लेयर्स टू गेट मिक्स टुगेदर, तो एक तरीके से ब्रिज का काम करेगी ताकि आपकी ये रबड़ी की लेयर और प्योरी की लेयर जो है प्रॉपरली आपको नज़र आ सके। तो आप इसमें अच्छी तरीके से मैंगो रबड़ी का इस्तेमाल करिए और इसको भी हम हल्का सा टैप कर लेंगे, ठीक है। टैप करने के बाद उसके बाद अब हमें इसकी गार्निशिंग करनी है, तो गार्निश करने के लिए सबसे पहले हम हल्के थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, थोड़े से ये एलमंड्स और पिस्ताशूज जो मैंने काट के रखे हैं आप इसको हल्के से इन पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके साथ जो है सिमिलरली आप जो हैं इसके ऊपर जो ये हमारी फ्रेश ब्रेकफास्ट अमूल क्रीम है इसको अच्छी तरीके से लेकर उसको चारों तरफ से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें लेंगे थोड़े से ये जो हमारे जिसको मैंने बारीक काट के मैंगो क्यूब्स रखे थे उसको हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। खाना बनाते वक्त आप कम से कम आप अगर जो चीज़ आपको हाथ से डालनी है अगर चम्मच का आप इस्तेमाल कर सके तो बहुत अच्छा है, ताकि कम से कम आपके हाथ खाने को टच करेंगे और इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो ये हमारा तैयार है। उसी के बाद मैं इसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट आई हैव टू ऐड अ चेरी, जो कि हमने टिन चेरीज इस्तेमाल करी है, फ्रेश अभी मुझे नहीं मिल पाई थी, तो वी कैन पुट अ चेरी ऑन टॉप ऑफ इट एंड लेट इट कूल इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू मिनट्स। तो मैं ये एक कप को मैं फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये चिल्ड हो सके। उसी के साथ में एक अपना दूसरा कप भी मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ ताकि हम उसको भी अच्छी तरीके से जब हम उसकी प्लेटिंग करें तो हमारे पास अच्छे दो ग्लासेस बनकर तैयार हो जाएं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम कि इसमें मैं इस रेसिपी को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकती हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, ताकि इसमें मैं नेक्स्ट टाइम जब बताऊँ तो आप के सजेशंस को मैं ध्यान रखते हुए अपनी रेसिपी को इसमें जो भी कमियां हैं या कुछ प्लस पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स हर चीज़ में होते हैं, हो सकता है कि इसमें भी कुछ कमियां हो, कुछ और चीज़ में इसमें ऐड कर सकती हूँ, तो आप जो है इसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्रश्ड बालूशाही को ऐड करना होता है, जो कि अगेन आई एम क्रशिंग इट विद द हेल्प ऑफ माई हैंड्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमें इसमें जो है जो हमारी रबड़ी बन के तैयार हुई है, कोई भी डेजर्ट अगर हम खाते हैं तो वो अगर हम चिल्ड करके खाएं रेफ्रिजरेटेड हो तो वो खाने में स्वाद बढ़ा देता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी इतना गर्म है कि अगर हम गर्म खाएंगे तो वो उतना मज़ा नहीं देता है, तो अगर हम ठंडे डेजर्ट्स खाएं तो हमें एक बहुत सूदिंग और रिफ्रेशिंग इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। उसके बाद अब हम हल्के थोड़े थोड़े से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे जो मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे। इसके आप शेविंग्स भी काट सकते हैं आप मर्ज़ी मुताबिक, जैसे आप इसके फ्लेक्स काटना चाहें, इसके स्लाइसेस काटना चाहें, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्पून आई एम पुटिंग सम बाइट साइज क्यूब्स ऑफ मैंगो
क्योंकि खाने के लिए जो है आपकी आँख जितना कोई भी खाना खाने से पहले आप अपनी आँखों से देखते, तो कहते हैं कि पहले आप जो है आपकी आँखें खाती हैं उसके बाद फिर आप उसको टेस्ट करते। तो आपको अगर चीज़ कोई दिखने में अगर अच्छी नहीं होगी तो आप उसको टेस्ट करना उतना पसंद नहीं करेंगे। तो हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो दिखने में बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल हो, ताकि आपका आप इसे खाए बगैर रह ना सकें। ठीक है, उसके बाद फिर मैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल टोंग आई एम पुटिंग अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ इट, और इसको भी मैं रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देती हूँ। इससे पहले कि रेफ्रिजरेट हो तो मैं अपना प्लेटिंग, जो मेरी पास एक छोटी सी वाइट ट्रे है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पर गार्निशिंग करने के लिए मैंने एक छोटी सी चेरी ले ले रही हूँ, और जो है थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो प्रेजेंटेशन करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो एक बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई दे सके। आई थिंक जो मैंने अभी बना के रखा था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, और पहले से मैंने एक अपना प्रोडक्ट बना के रखा है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम उस पर कैसे प्लेटिंग कर सकते हैं, कैसे हम उसको दिखा सकते हैं। खाने का जब प्रोडक्ट अगर टेस्ट करने की बात आएगी तो मैं जो हूँ, क्योंकि ये मैंने बनाया है प्रोडक्ट, तो मैं तो कहूँगी कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप बनाएं और कोई आपके बनाए हुए प्रोडक्ट की तारीफ़ करे, तब बात होती है। तो मैं तो बनाऊँगी, लेट मी टेस्ट इट ऑल्सो कि ये खाने में कैसा बना है, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बनाया है तो ऑब्वियसली मैं तो उसकी तारीफ़ करूँगी, लेकिन बात तब है जब ये मैं बनाऊँ और मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चे या और मेरे रिलेटिव्स इसको खा के इसकी तारीफ़ करें, तो मैं समझूँगी कि मैं अपने रेसिपी बनाने में सफल हो सकी। As you all know, तो क्या आपको ये रेसिपी, आप सबको पता है कि आजकल गर्मियों के मौसम में नई नई रेसिपीज़ ट्राई आउट हो रही हैं। So I request you all that this summer become chef yourself and try out your hand at this simple mouth-watering mango recipe, whether it's a get-together, farewell, birthday party, or even a simple lunch and dinner. You can, this recipe can goes well with all the occasions. And as you all know that we have ushered into a high-tech age jahan pe hashtags are used as a lines on social media, so which allow us to follow the people who are not your immediate followers. So let's give a shout out, let's make each day a magnificent day, let's have hashtag a mangoficient day. So before I sign off, as a Kakasha Varsi, I would like to say salamul namaste. Thank you so much.